हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होम किचन में आपका स्वागत है। बहुत लोग सावन में नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वेज रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एग रोल से भी टेस्टी लगता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाकर वेज रोल बनाना शुरू किया जाए। सबसे पहले आटे के डो से इतना बड़ा लोई ले लेंगे और इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे। अब इसे फिंगर से प्रेस करते हुए चपटा शेप दे लेंगे। फिर इस पर सूखा आटा लगा लेंगे। अब इसे राउंड शेप में बेल लेते हैं। फिर इसमें सूखा आटा लगा लेंगे ताकि आसानी से इसे पतला बेला जा सके। देखिए, इसका थिकनेस रोटी से हल्का मोटा रखना होता है। अब इसे तवा गर्म कर इस पर सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि रोटी अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, नीचे से यह हल्का सिक गया है। अब इसे पलट लेते हैं। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। अब इसे पलट कर दूसरे साइड भी ऑयल लगा लेते हैं। आप इसके ऊपर ऑयल ब्रश के भी सहायता से लगा सकते हैं। अब इसे दोनों साइड से उलट पलट कर हल्का प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे। यह रोल बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। देखिए, यह दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गई। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस पर अच्छी तरह से मेयोनीज लगा लेंगे। मेयोनीज लगाने के बाद टोमेटो केचप अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। मेयोनीज और टोमेटो केचप का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। इस पर थोड़ी सी टोमेटो केचप और लगा लेते हैं। अब इस पर चॉप किए हुए प्याज को डाल लेंगे। इसके बाद कटे हुए टमाटर को भी डाल लेंगे। थोड़ी सी चीज डाल लेते हैं। चीज ऑप्शनल है, यदि आपके पास चीज नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस पर थोड़े से पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। इस रोल को बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाते हैं। अभी तो बच्चों को बाहर का खाना देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इस रोल को जब चाहे घर में आसानी से बना सकते हैं। बच्चे यदि हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। अब इस पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लेंगे, क्योंकि नमक के बिना तो कोई स्वाद ही नहीं होता। और इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल लेते हैं। अब इसे इस प्रकार रोल कर लेंगे। अब इसे नाइफ की सहायता से ऐसे तिरछा काट लेंगे ताकि शेप दिखने में अच्छा लगे। आप इस रोल को बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। देखिए, रोल कितना अच्छा दिख रहा है। यह बहुत टेस्टी भी बनता है और काफ़ी कम समय में बनकर तैयार भी हो जाता है। यह बच्चों के पसंद के साथ साथ हेल्दी भी होता है, इसलिए इसे आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।